हमें लिविंग रूम से उठ भाई गया मम्मी उठो क्या है लिविंग रूम में चलो तो ये लाइट क्यों जलाई है मुझे अरे मैंने काम बढ़ा दिया चलो तो चलो चलो आए आप बंद करो आप बंद करने समझ गए एक दो तीन हैप्पी बर्थडे टू यू छोटे लाइट कर दियो पहले क्यों नहीं बोले तो हम तेज चेंज कर लेते ना सरप्राइज बात है ये रुक चलो जलाओ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हमारी मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू केक काटो नहीं ये केक में गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा चलो काटो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू खाना नहीं है व्रत है तुम्हारा मुझे पता है लेके कौन आया खिला किस पर आई हो मेहनत कौन की है खिला किस पर आई हो सो हेलो एवरीवन हैप्पी महाशिवरात्रि हैप्पी वुमेन्स डे एंड हैप्पी बर्थडे टू मी तीनों एक साथ तो अभी मैं मंदिर से आई हूँ और पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया है था और वैसे मॉर्निंग में गई थी लेकिन वो उस टाइम तक तो चतुर्दशी नहीं लगा था तो जब होगा तभी ना पूजा कर सकती हूँ जब तिथि लगेगा तो उसके बाद 9 बजे का टाइम दिया था पंडित जी रात को तो तब तक तो मतलब कि व्रत रखना ही पड़ेगा और मैंने फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग टाइम तक व्रत रखा है ऐसे तो मॉर्निंग में ही शिवरात्रि स्टार्ट हो जाती है तो हमें मॉर्निंग में जल चढ़ा के उसके बाद फ्रूट या मिठाई वगैरह ये सब खा लेती हूँ फिर नेक्स्ट डे फिर कुछ नमक का कुछ भी खाती हूँ लेकिन अभी एकदम टाइम 9 बजे का और फिर मैं जब मंदिर में गई तब भी पंडित जी नहीं आए थे फिर आए फिर पूजा पाठ हुआ कंप्लीट और फिर उसके बाद जो चरणामृत दिया इसका मतलब कि व्रत कंप्लीट हुआ आपका तो बहुत हैप्पी हो रही है मतलब ये जो जर्नी था ना मतलब बहुत इंजॉय मज़ा भी आ रहा था व्रत रख के तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी भी चाहिए क्योंकि हम लोग के तो बहुत सारे पूजा पाठ रहते हैं ना जिसमें जैसे छठ पूजा बहुत भारी मतलब कि बहुत
कठिन व्रत रहता है जिसमें दो दिन तक कोई कुछ नहीं खा पाता, पानी तक भी नहीं पी सकते। लेकिन हम, मैंने तो पानी पिया, और पानी बिना तो नहीं चलेगा मेरा, ऐसा मतलब प्रॉब्लम है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी अच्छी बात है ना, इससे धीरे धीरे थोड़ा और भी पूजा पाठ में आगे बढ़ा सकती हूँ इस चीज़ को, जो स्टॉप हो गया। देखिए, शक्ति में ही भक्ति है, अगर शक्ति नहीं रहेगा तो भक्ति भी नहीं कर पाओगे। कुछ ज़्यादा डायलॉग मार रही हूँ मैं, लेकिन छोड़ो आटा। क्या बोलते हैं, व्रत कंप्लीट हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन मैं अभी, वैसे तो पंडित जी ने बोला कि आपको तो खा सकते हो, लेकिन मैं अभी खाऊंगी नहीं, मैं नेक्स्ट डे खाऊंगी, क्योंकि मुझे व्रत करके बहुत मज़ा आ रहा है भूखा पेट में। लेकिन इतना भी नहीं, मैं सोच रही हूँ कुछ मिठाई वगैरह खा लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट ऐसे रहूँगी ना तो मेरा पेट में और दर्द करने लगेगा। तो चलो ठीक है, बाय। आज का दिन तो ऐसे ही गुजरा, और इन्जॉय भी किया बहुत, सरप्राइज भी मिला, बहुत हैप्पी है, हैप्पी मतलब बहुत खुश है हम। और क्या, और कुछ नहीं, बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टाटा बाय बाय। भोलेनाथ जी आप लोगों का सब कोई को भला करे, और क्या बोलूँ मैं, खुद मतलब अपना लिए मांगने ही भूल गई। खैर छोड़ो, भगवान जी को सब पता रहता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं आराम से अपना काम करूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे बस, क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तो मैं भी नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। जब मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, तो फिर कोई मुझे भी इंटरफेयर मत करो, मेरा लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ऊपर वाला सब देख रहा है। जो भी जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। तो किसी को भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को मेरा बात को बुरा लगे तो मान लो बुरा मान लो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर क्योंकि भगवान जी बोलते हैं ना कि क्या बोलते, क्या डायलॉग था उसका, कि डायलॉग तो नहीं पता, लेकिन वो कहावत है ना कि जब तक भगवान का हाथ आपके सर पे हो तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो कॉन्फिडेंट है मेरे अंदर, और वो कॉन्फिडेंट आ भी गया है मेरे अंदर। तो कॉन्फिडेंट भी है और ओवर कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन भगवान जी तो सब देख रहे हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या कर रही हूँ। तो वो जैसे जो करेंगे, मैं, मेरा और उनका मामला है। प्लीज़ कोई बीच में, हम लोग को बीच में मत करो, मेरे लाइफ में प्लीज़ इंटरफेयर मत करो, क्योंकि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मैं सब कुछ निभा रही हूँ। कुछ ज़्यादा अगर प्रेशर करोगे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर उठपटांग कर लूँगी मैं कसम से। क्या धमकी भी दे रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, पूजा करके आई हूँ, अच्छा बात बोलूँगी भाई। अच्छा बात यह है कि मैं भगवान जी से कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगती हूँ, और अच्छा ही मांगती हूँ कि सबका अच्छा ही हो, क्योंकि बुरा करके फल देने वाला तो भगवान जी खुद है। तो मैं क्यों उनको बोलूँ कि आप, आपका काम क्यों सिखाऊं मैं उनको, ये गलत बात है। देखो भगवान जी, आप मंदिर में जाते हो ना, तो कभी भी ना किसी के बारे में बुरा मत मांगना कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। इससे क्या होता है ना, आप खुद को अपवित्र करते हो, और भगवान जी को भी। आप अपना सोच जो उनके सामने ले के आते हो, तो उससे क्या होता है ना, वो मतलब कि नेगेटिव माने भगवान और भक्त के बीच में नेगेटिविटी पैदा होती है। तो इसीलिए ना, अगर मांगना ही है तो कुछ अच्छा मांगो, अपने लिए मांगो, किसी और के लिए अगर कोई आपको अच्छा लगे उसके लिए अच्छा मांगो, लेकिन किसी के लिए बुरा मत मांगो। क्योंकि बुरा करने वाला जो फल होता है ना, वो ऊपर वाला खुद ही देता है। उनको उनका काम मत सिखाने जाओ। और आप लोग भी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, किसी को पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ठीक पनिशमेंट दे ही देगा एक दिन एक दिन। वो बोलते हैं ना कि हाँ, इस ये ऐसा कर रहा है ना, इसको इसका फल ज़रूर मिलेगा। मिलेगा, थोड़ा सबर करो, आपको आपके नज़र में ठीक आ जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा अपने आप को ना खुजलाओ मत अंदर से कि हाँ नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। चुपचाप तमाशा देखते जाओ, अपना काम करते जाओ, टेंशन नहीं, कुछ नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।